नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस लाइव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल कैसे बनते हैं इसके बारे में जानकारी तलाश रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हम यहां पर पुलिस कांस्टेबल कैसे बनते हैं इसके बारे में सभी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी कई स्टूडेंट के लिए उपयोगी साबित होगी। एक पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए कितनी पढ़ाई करना पड़ता है, कितनी आयु होनी चाहिए और कौन कौन सी शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उन्हें इस जॉब का सही रिक्वायरमेंट की जानकारी ना होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं या फिर उन्हें जॉब्स के लिए सही तरीके से तैयारी ना करने की वजह से फेल हो जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र, आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट में आप ये बता सकते हैं और आप अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर एक, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए ज़रूरी जानकारी। पुलिस कांस्टेबल इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसके अलावा आपको पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता होती है, तभी इस पोस्ट को पाने हेतु सफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पूर्व तैयारी का मतलब है सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी करना नहीं, इसके लिए आपको फिजिकल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अब तो कंपटीशन का ज़माना है। आप जैसे कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हर स्टूडेंट खुद सबसे बेहतर साबित करना चाहता है। अगर ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए आपको इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल एग्ज़ाम इन दोनों की परफेक्ट तैयारी करने की आवश्यकता है। अक्सर देखा गया है कई स्टूडेंट परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन फिजिकल एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, इसलिए फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर दो, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आवश्यक पात्रताएँ। इसमें जो है पहला पॉइंट है, जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है वो उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। पॉइंट नंबर दो, जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। पॉइंट नंबर तीन, जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है वो किसी भी स्ट्रीम में से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम वो 12वीं क्लास पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर चार, जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 18 से 23 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कुछ वर्ष की छूट दी जाती है। पॉइंट नंबर पाँच, जो उम्मीदवार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है उसकी हाइट 168 सेमी होनी चाहिए। इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार की हाइट 160 सेमी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर तीन, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए तैयारी कैसे करें। यदि उम्मीदवार उपरोक्त पॉइंट के अनुसार पुलिस कांस्टेबल बनने के लायक है तो उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए उम्मीदवार को शारीरिक एवं लिखित परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, अर्थमेटिक व हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए। इसके लिए आप राज्य पुलिस भर्ती परीक्षा की बुक से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा बुक की सहायता ले सकते हैं। आजकल सभी परीक्षाओं की बुक बुक स्टॉल पर मिल जाती है। फिजिकली टेस्ट के लिए आपको रोज़ाना दौड़ लगाना चाहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करना चाहिए। शरीर को फिट रखने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर चार, पुलिस कांस्टेबल कैसे बनते हैं। जब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं तब उम्मीदवार को ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उम्मीदवार जब रिटेन एग्जाम पास कर लेता है तो उसके बाद उसे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें दौड़ के अलावा शारीरिक परीक्षण किए जाते हैं। अगर उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट पास हो जाता है तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन किया जाता है। पॉइंट नंबर पाँच, पुलिस कांस्टेबल का वेतन। एक पुलिस कांस्टेबल को उसके जॉब के अनुसार ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। जानकारी के अनुसार एक पुलिस कांस्टेबल को 5200 से 20200 रुपये की और ग्रेड पे 2000 के हिसाब से 20 से 25000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये खबर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप देखें
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।